एटा से चलकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची अखिल भारतीय किसान यूनियन की टीम। इंडिया समाचार संवाददाता विनोद कुमार गौतम की खास रिपोर्ट। और जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हम रहेंगे हर कीमत पर। पूरा किसानों की कहीं की भी कोई समस्या है, सब किसान एक हैं, चाहे किसी का कोई संगठन हो। चौधरी साहब की जो आवाज थी वो किसी पर बर्दाश्त नहीं हुई है, और जिसके अंदर जो धरती माता का किसान बेटा है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सरकार का जो अत्याचार चल रहा है उसका 100% विरोध करेंगे, जब तक सांस रहेगी विरोध करेंगे। तो किसान कोई आतंकवादी नहीं है। पैदल मार्च किया है आपने? पैदल मार्च करके आए हैं? पैदल मार्च करके आए 250-300 किलोमीटर दूर से, उधर हमें बिलोनसर को रोका था, पूरे जिला का प्रशासन लगा था, उसने रोका था, लेकिन हम लोग नहीं माने किसी कीमत पे। एटा पर नजरबंद किया था, वहाँ पर रोड जाम करके हम लोग निकल के आए। जय हिंद, जय किसान। आज देखिए 30 जनवरी है और एटा क्षेत्र से मात्र एक संगठन अखिल भारतीय किसान यूनियन अभी भी यूनियन यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्ष जी हैं जो, और इनकी ये हमारी सभी टीम है। ये दिनेश भैया हैं, मास साहब हैं, प्रधान जी अभी भी बॉर्डर पर टिके हुए हैं। और ये हमारा संगठन, भारत के अंदर 250 से ज़्यादा संगठन है, लेकिन केवल एक हमारा अखिल भारतीय किसान यूनियन संगठन ही एक एटा से दिल्ली तक पैदल चलकर आया और अभी भी टिका हुआ है। और आंदोलन की अभी भी बात करूं तो जस से तस नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही अभी भी यहाँ पर किसान और सभी समर्थक डटे हुए हैं। अभी मैं बात करूं तो इन तंबुओं में जैसे किलोमीटर के हिसाब से पहले तंबू लगे थे वैसे ही अभी भी लगे हुए हैं, और हर तंबू में किसान पड़ा हुआ है। आगे मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें ये हमारा कैंप है, देखो। अखिल भारतीय किसान यूनियन पूरा कैंप है, बाइक भी खड़ी है, और भी कैंप है, कैंप तो भी तो है, जा लोग भी हैं। ये कैंप तो किलोमीटर के हिसाब से है, ये ट्रैक्टर वैक्टर भी खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर वैक्टर ये हमारे खड़े हुए हैं, गाड़ी खड़ी हुई है मास्टर साहब की, ये प्रधान जी की गाड़ी खड़ी हुई है, राष्ट्रीय संयोजक जी। और मैं भीड़ की यहाँ के आलम की बात करूँ तो यहाँ से ये कंडीशन है कि लाखों की संख्या में फिर से किसान एकजुट हो गया है, और ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर, इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं कि ये टके साहब कहाँ से एक चिंगारी नहीं दी है इस संगठन को, फिर से लोग जुड़ना चालू हो गए। वैसी ही चहल यहाँ पर चालू हो चुकी है। कुछ लोग बात कर रहे थे हमारे संगठन की, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है कि हमारा संगठन अभी भी यहाँ पर मौजूद है और मौजूद रहेगा। नेट नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं लाइव ही दे देता। लड़ाई तक रहेगा हमारा, हवा में नहीं। समाजों को बढ़ाकर चलाई जा रही है कि किसानों का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन हमने आकर के देखा है कि कैसे रूबरू है, ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मैं सभी अखिल भारतीय किसान यूनियन अभी एटा उत्तर प्रदेश से ही आया हूँ। जैसे कि रात हमारे किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी ने एक आह्वान किया था पूरे जनता में, जो किसान हैं, जो किसानी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उन्हें अपनी जमीन खेती से लगाव है, सबके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई है, और पूरे प्रदेश का, पूरे देश का किसान माननीय राकेश टिकैत जी के एक आंसू की आवाज़ पे एक झटका में यहाँ चला पड़ा है। और तुम कल तक देखना कितनी भीड़ हो गया। नेताजी के आंसुओं का हिसाब कैसे दिया जाए? सरकार को गिरा के अभी जो हमारे भाई बंद जो सत्ता में बैठे हैं उनमें से हमारे भी हैं, ये नहीं सब उन्हीं के हैं, उनको जिस दिन ये पैदा होगी कि हमारी धरती माँ को ये लोग नीलाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ ये हिटलर शाही सरकार चला रहे हैं, तानाशाही सरकार चला रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके अंदर भी एक जागरूकता पैदा होगी, उस दिन सत्ता में लात मार देंगे। बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को कोई माई का लाल गिरा नहीं चलता, और ये बात कानूनों को वापस लेने की वापस नहीं हो सकती। आप भी इसी देश में पैदा हुए हैं और हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं, जब यहाँ से अच्छे अच्छे अंग्रेज भाग कर ले गए तो ये तो बीजेपी की चीज है। सत्ता किसी की नहीं रही है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन इंसान जिंदा रहेगा, धरती माँ जिंदा रहेगी, ये किसी को औकात नहीं है कि इस धरती माँ को खत्म कर दे। एक गरीब ही, एक किसान ही सरकार बना सकता है, सरकार को गिरा भी सकता है, फिर नशे का जो सत्ता का नशा है वो क्यों चूर हो? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इसका नशा, ये आपको जल्दी देखने मिलेगा।
हम लोग किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी सत्ता से मतलब नहीं है, लेकिन हमें खेती किसानी से मतलब है। और चौधरी साहब किसानों के नेता थे, हैं और रहेंगे। किसी के माइक लाने की ताकत नहीं है कि उन्हें किसानों के नेता से अलग कर दे। वो कभी अराजक तत्व नहीं थे, न है, न रहोगे। ठीक है साहब, किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं क्योंकि किसानों के हक की लड़ाई वो लगातार जमीन से लेकर पूरे भारत करते हैं। पूरे भारत बस में माननीय बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का डंका बजता था, उनके एक हुक्का की आवाज से पूरे देश का किसान चाहे या खड़ा हो जाता। आज वही स्थिति माननीय राकेश टिकैत की है। हम सब लोग चाहे किसी संगठन से हो, मेरा भी एक अलग संगठन है, मैं अखिल भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, एटा तबेल से आया हूँ, जो भी मेरे साथ है, लेकिन हम सब एक है। यहाँ कोई किसी का गठबंधन नहीं है, कोई किसी का गठबंधन अलग हो सकता है, लेकिन मांग एक है, मांग एक है, किसान एक है। और यहाँ हर की मत अपनी धरती माता को बचाने के लिए मर मरने को तैयार है। हम अपना अहिंसात्मक किसान जो है तादाद में आ रहे हैं, क्या कुछ माना जाए कि आने वाली जो सुबह होगी या कल का जो दिन होगा कितनी तादाद? आज से ठीक सुबह आप अभी से चार गुना या किसान गिनती कर लेता बिल्कुल भी। और इसका असर जो सरकार जवाब कैसे दिया जाएगा सर? जवाब ऐसे किसान सरकार का हिटलरशाही मंसूबा पूरे नहीं होंगे। सरकार इस हमारे आंदोलन को कुचलना चाह रही थी, ये मंसूबे उनके पूरे नहीं होंगे किसी कीमत पे। कुछ सरकार के नुमाइंदे ये दावा कर रहे हैं कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को विपक्ष जो है बरगला रहा है। हमें किसी पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमारी व्यक्तिगत किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी मांगों से मतलब है। और हमें कौन बरगलाएगा? हम लोग किसान है, हमारे बाप दादा पुरखा सत पीढ़ी से इतिहास उठा के देख लो, हम लोग खेती किसानी करते और करते रहेंगे, इसे किसी जीवन को बर्दाश्त नहीं करें। किसान खेतों में काम करे या फिर सड़कों पर उतर कर अपने हक की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई। लेकिन सरकार को सरकार जो है जनता की किसानों की समस्या को समाधान करेगी, लेकिन सरकार ने जो कुछ है वही इतने की क्यों हो रही है बाबा? संविधान में सबका अपना एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि कोई भी आंदोलन कर सकता है। हम लोग अहिंसात्मक अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो जो कुछ अराजक तत्व जो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे यहाँ जितने यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई आतंकवादी लग रहा है आपको, कोई कुछ लग रहा है, किसी ने कोई घटना दुर्घटना की या नहीं की? हम लोग बाहर दूर से आए, अभी आए, रात भर नींद नहीं आई हम लोगों को। चौधरी साहब का जो कंडीशन देखी थी, अब देखना क्या है यहाँ पर। ये प्यार है जो कि खींच लाए यहाँ पर, जवाब कैसे दिया? फायदे की बात है, ये तो बीजेपी की सरकार जैसे पाकिस्तान बनता है, बीजेपी की सरकार बनता है। लेकिन बीजेपी के तो कुछ नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं किसानों को लेकर, क्या मानसिकता दर्शाते हैं? मानसिकता ये दर्शाते हैं कि मुंह पे आकर मैदान है, कुछ भी कह सकता है, पर सत्य पर आवश्यकता है। मोदी सरकार हमारे लिए सत्य एक जनप्रतिनिधि जाता है ताकि जनता की समस्या को सरकार तक पहुँचाए, लेकिन आज जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा। राजा वही होता है जो प्रजा को शोषण करे, जो प्रजा का शोषण करे वो राजा नहीं हो सकता है। माननीय मोदी जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि हमारे किसानों की आवाज को सुनो, और ये उद्योगपतियों के लिए जो आप बिल लेके आए उन्हें प्रकाश करो, कैंसिल करो, और पुनः आप हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करो, उसका कानून बना दो। जय हिंद, जय किसान। किसान एकता, किसान एकता।